सज्जन स्वामी महाराज की जय। जोरदार तालियां विनोद भाई और साथियों के लिए। बहुत सुंदर तरीके से जाना पहचाना भजन उन्होंने, बीच में विनोद भाई ने कुछ अपनी भी भावना अंदर डाल दी। आज हमारी स्खलित मंगल कृपाधारा श्रावण मास के पवित्र दिनों के निमित्त जो आयोजन किया, उसकी आज पूर्णाहुति का सत्र है। समय कितना तेजी से जा रहा है। अभी गए रविवार को तो हमने परम पूज्य निर्मल स्वामी जी का प्रागट्य दिन इसी जगह पर मनाया था। एक हफ्ता कितना फास्ट चल गया, लेकिन भगवान हमारे साथ में ऐसे है कि ज्ञान स्वरूप स्वामी का कुछ ट्रीटमेंट की वजह से निर्मल स्वामी रुक गए और आज पारायण में उनका, दोनों संतों का, उनके सानिध्य का हमें लाभ मिल रहा है। वो कल सुबह की फ्लाइट में जा रहे हैं, लेकिन परेश भाई और सभी परिवारजनों को धन्यवाद। बहुत ही अच्छी संतों की सेवा करते हैं, उनकी वजह से हमको निर्मल स्वामी जी का, सभी संतों का यहाँ लाभ मिल रहा है। आज योगानुयोग परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के पहले ही स्मृति दिन है, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में भी हम सभी भाव से श्रद्धांजलि हमारी अर्पण करते हैं। आज के इस दिन के पहले सत्र, अंतिम सत्र के पहले वक्तव्य के लिए परम पूज्य भरत भाई को हम प्रार्थना करते हैं, व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुदेश भाई सिंगल जी, उनको प्रार्थना करते हैं कि यहाँ मंच पर आकर ठाकुर जी का और पारायण के ग्रंथ का और पूज्य भरत भाई का पूजन करने पधारे। सुदेश भाई सिंगल जी। वर्णी वे शरमणीय दासनम मंदहास रुचिराननम पूजितम सुरनरोतमेमुदा श्रीधर्मनंदनमहं विचिन्तये श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् येयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदोस्तुति उचरे जे नारोम सुचिद्रमायणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया सजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जेनी अमृतवाणी तो वैरई साक्षात् महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभ व्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना तत्पर रहे काका स्नेह जान स्वामी महाराज नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नी जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी, शताब्दी महोत्सव की प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप अक्षर विहारी स्वामी महाराज की जय।
प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब जी की, प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, आज के आनंद की जय। परम पूज्य निर्मल स्वामी जी, परम पूज्य ज्ञान स्वरूप स्वामी जी की आज बहुत पवित्र दिन है और प्रमुख स्वामी महाराज का पहला स्मृति दिन है, तो उनके लिए हम सब मिलके दो मिनट पहले धुन करते हैं, बाद में ये पारायण की शुरुआत करते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी काका जी ने जो गुणातीत ज्ञान के रहस्य बताते हुए बहुत सारे लेख लिखे थे उनका, और काका जी ने जो कथावार्ता करी है उनका समन्वय ये पुस्तक में है। और ये पुस्तक का पारायण हमने थोड़ा बहुत किया, पूरा पारायण करना तो बहुत ही समय लगेगा उनके लिए, मगर हमने जो जो पार्ट पढ़ा है उसमें थोड़ा अधूरा भी है। कल तक हमने अनुपम सप्तपदी गीता, जो हमारी साधना के सात सोपान, उसके बारे में काका जी ने जो लेख लिखा है उनका हम अध्ययन कर रहे थे। आज मैं डायरेक्ट उनके ही ऊपर जाता हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने बहुत सारी बातें करी है और बहुत शास्त्रों का भी अभ्यास किया है, मगर वो सब शास्त्रों का निचोड़ रूप वचनामृत दिया। बहुत शास्त्रों का निचोड़ रूप गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामी की बात में सब लिखा। इसी तरह से काका जी ने भी वचनामृत स्वामी की बातों वगैरह सब का अभ्यास, इतना गहन अभ्यास किया कि उसने हमें साधना मार्ग के लिए बहुत सारे सूत्र दिए, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसकी टेक्निक दिया, स्वरूप योग दिया, स्वरूप उपशम दिया, फिर ऐसी वो सब वचनामृत और स्वामी के बात के आधार पे ही दिया। और उतना ही नहीं, मगर हमारी साधना में हम कहाँ है वो देखने के लिए भी उसने वो लालटेन दिया
कि आप यहाँ हो, देखो आपका रास्ता इधर तक गया है। इसी तरह से ये जो अनुपम सप्तपदी गीता है, जो उसने काका जी ने जो ये लिखा है कृष्ण भगवान के और श्रीदामा राधा जी के पूरा प्रसंग के अनुरूप, वो प्रसंग को लेके ये जो 7 स्टेप साधना के बताए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं कि हम कहाँ हैं। पहला स्टेप तो जो साधना मार्ग का है, उसको ऐसा होना चाहिए, मेरी साधना के लिए मेरे को इसे गुणातीत स्वरूप संत, उनका अस्तित्व है और उनका स्वीकार होना चाहिए कि ये मेरे को ये गुणातीत स्वरूप संत मिले। दूसरा बताया, दूसरा सोपान, पहला सोपान ये, दूसरा सोपान ये कि उनके साथ का हमारा संबंध दृढ़ होना चाहिए। भले ही हमें उसमें कभी कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, मगर हमेरे हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा संबंध हो जाना चाहिए। वो संबंध है, वो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप बताया कि हमें उनके हरेक चरित्र में हमेशा दिव्य भाव रहना चाहिए, दिव्यता दिव्यता दिव्यता, उसके हरेक क्रियायोगों को हम अपने मन बुद्धि से नहीं मुलवते हुए उनको दिव्यता की दृष्टि से देखें, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। और उसमें हम जहाँ अटके हैं वो देखना चाहिए। अभी उनसे आगे वो योगी जी महाराज ने उसमें ये बोला है कि हमारी जो अथड़ामण होती है वो किसके लिए होती है, स्वरूप के लिए होती है, मगर भक्तों से होती है। और इसलिए योगी महाराज ने सुंदरूत में जो मुद्दा बताया, वो भी काका जी ने उसका भी जिक्र किया कि किसी से भी हमें कुछ बात करना है तो पहले उनसे हेत होना चाहिए, हेत होने के बाद वो बात करनी चाहिए, वाणी में मिठास रखनी चाहिए, वो तीसरा स्टेप है। वाणी में हमारी हमेशा दिव्य भाव रहना चाहिए, मिठास रहनी चाहिए। किसी से बात करते हैं तो जैसे एक दूसरे से भोंकते हैं इसी तरह से बात करते हैं, तो वो हमें तीसरा स्टेप में अभी तक आए नहीं है। मगर अच्छी तरह से प्रेम भाव से दिव्य भाव से बात करें, नहीं कहना ऐसा काका जी नहीं बोलते, कहना चाहिए, मगर पहले हेत से कहो, और ऐसा हेत भाव तैयार होए वो हमारा तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज में आएंगे तो वाणी में मिठास होनी चाहिए, वो तीसरा स्टेप बताते हैं। अभी चौथा स्टेप है, सप्तपदी गीताना चौथा सोपान में प्रभु ने करता हरता मान्या पछी केवल एने ज विषय अनन्य भाव दृढ़ करवानी झुंबेश प्रभु शुरू करे छे। अहीं प्रभु साथेनो संबंध एवी कक्षाए पहुंचो होय छे के ज्यां प्रभु ने छोड़ी सकाता नथी, तेमज पोतापणानी मानिनता निर्मूल न थवाने कारणे प्रभुनी हरेक आज्ञा सम्यक प्रकारे तेनी मर्जी मुजब पाळी शकाती पण नथी। प्रभु ने राजी करवानी भावना तो छे, प्रभु ने जीवन में प्रथम स्थान पण आप्यु छे, परंतु साथे साथे पोताना अस्तित्वनु जाणपणु पण छे। हमारे अस्तित्व का भी जाणपणा है और हम भगवान को छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए बोलते हैं दोनों में युद्ध चलता है, अंदर युद्ध अंदर चल रहा है, हम बाहर देखते हैं, बाहर युद्ध नहीं है, इसलिए हम बाहर लड़ते हैं वो गलत है, अंदर से साथ लड़ाई करनी चाहिए। तेथी तो महाभारत ना युद्ध वक्ते अर्जुन ने समग्र विराट नारायणी सेना ने बदले निशस्त्र एवा श्री कृष्ण ने पसंद कराया, परंतु युद्ध ना पहला दिवसे बांधव हत्या नो प्रश्न आयो त्यारे कृष्ण ना केवा छता पण शस्त्रों चलावानी हाम ते भीड़ी सक्यो नहीं, ते द्विधा में पड़ी गयो, उदासीन बनी गयो, बांधव हत्या थी मारे राज नथी जोईतू एवो पोतानी रीतनो सत्वगुण प्रगट थयो। तेनी दलील सांभळी कृष्ण खूब हस्या। ये चौथा स्टेज आता है, चौथा स्टेज में हमारे मन में हमेशा द्विधा चलती रहती है, ये करूं कि ये करूं। हमारे अंदर में भगवान को राजी करने की एक रुचि भी है और दूसरी बाजू हमारी एक मानिनता भी है। कृष्ण भगवान के साथ में अर्जुन का ऐसा संबंध बताया गया है कि अर्जुन को कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ प्रिय नहीं था,
मगर फिर भी एक सत्व गुण की मानिन्ता थी कि मैं मेरे बांधवों को क्यों मारूं, मेरे को ये राज नहीं चाहिए। ऐसी सब जो मानिन्ता थी उसकी वजह से वो कृष्ण की आज्ञा भी पालन नहीं कर सकता है। ऐसा जो भाव अंदर में, जो ये द्वंद्व, वो हमेशा रहता है। सभा में आना है और सत्संग भी करना है, निर्मल स्वामी जी का लाभ भी लेना है, और दूसरी ओर ये भी है कि एक सोशल फंक्शन में जाना है, और किसी ने क्या बोलते हैं वो अट्ठाई करी है, मांस खमण करा है, उनमें जाना भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें? द्विधा, निर्मल स्वामी जी से या तो ये संतों के प्रति हेत नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत हेत है, मगर ये एक व्यवहार और आध्यात्मिकता, वो दोनों के बीच में सिलेक्शन आता है, तभी मन द्विधा में पड़ता है। अभी क्या करूं, सभा में जाऊं कि ये व्यवहारिक कार्य में जाऊं, और वहां नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, यहां तो कोई बुरा लगने वाला है नहीं, स्वामी संत वगैरह माफ कर देने वाले हैं, वो भी एक बात होती है। तो इसी तरह से ये जो मन में द्विधा चलती है, उसमें हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी है, और वो चौथा स्टेज है। आप बद्दा तो मारा, हाँ, कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से सब समझाते हैं, 11वां अध्याय तक समझाते हैं, और बाद में उसको बोलते हैं कि तू तेरा सब धर्म छोड़ दे, सर्व धर्मान परित्यज्य करिष्य, तभी वो सहज बोलते हैं कि करिष्य वचनम तव। अर्जुन से अभी रहा नहीं जाता है और कृष्ण भगवान को सरेंडर हो जाता है और बोलते हैं कि करिष्य वचनम तव, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। मगर फिर भी मानिन्ता इतनी जोरदार है कि उससे वो बोलने से भी रहा नहीं जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, आपके आप जो बोलोगे वो करूँगा मगर मैं युद्ध नहीं करूँगा। देखो ये भी एक एवा अनन्य भक्त वाला भक्तों ना, बाद में वो सब ये बन जाते हैं। योगक्षेम प्रभु जानते हैं, एमने मन एक अनुपम लाहो छे, भक्तनी रक्षा एना श्याम कृष्णनी दड़कार है, प्रभु ने मन पराभक्ति छे, कारण एवो अनन्य भक्त पोतानी दरेक क्रिया में मध्य बिंदु प्रभु ने राखतो होय छे। मध्य बिंदु भगवान को ही रखता है हरेक क्रिया में, प्रभु जे कई पण करे छे ते मारा परम हित ने अर्थे ज छे, तेवी संबंधनी सहज निश्चिंता तेना हृदय आकाश ने विषे ठरीठाम थई होवाथी ते गम्मे तेवा प्रसंगों में प्रभुनु ज बळ लेतो होय छे। ये चौथा स्टेज है। तभी ऐसा जब भी द्विधा होए तो काकाजी हमेशा ये बोलते थे कि ऐसा द्वंद्व आया तो आप क्या करो, स्वामीनारायण 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 11 बार भगवान को याद करो, फिर आपको जो सोच आता है जो विचार आता है वो करो। द्विधा है, मैं कहाँ जाऊँ, सत्संग में जाऊँ या वो व्यवहारिक कार्य में जाऊँ। अभी आपने सोचा नहीं, व्यवहारिक ये फंक्शन है, सोशल फंक्शन है, उसमें ही जाऊँ, आप तैयार भी हो जाओगे, मगर उतने में आपको अगर वहाँ नहीं जाने देना होगा, आपने भगवान का आसरा लिया, भगवान का बल लिया, तो वही टाइम में कोई भक्त आएंगे, वो बोलेंगे चलो चलो मेरे को जाना है, स्वामी का दर्शन करना है, संतों का सत्संग करना है, आप तो हमेशा जाते हैं, आज मेरे को लेके जाओ। अच्छा। तो ऐसा जो प्रसंग होता है तभी हम भगवान का बल लेंगे, तो भगवान हमें बाद में वही, भले हम जो भी डिसीजन लेंगे मगर भगवान यहाँ खींच के लेके आएंगे। तो ये भगवान का बड़ी अपने ऊपर बड़ी कृपा है। प्रथम ना 37 प्रमाणे भगवान उनको वो भक्त को 11 इल्काप देते हैं, पोतानो समग्र वैभव तेने आपी दे छे, काल कर्म माया थी तेने मुक्त करी जीवन मुक्त बनावी निश्चिंत करी दे छे। ये वो भक्त निश्चिंत बन जाता है, मैं प्रभु के शरण में हूँ, भगवान का वो करता हरता मानता है, भगवान को ही आगे रखता है हरेक कार्य में, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, हे महाराज ये द्वंद्व है, आप उसमें उपायभूत हो जाओ, हे प्रभु हे काका जी आप उपायभूत हो जाओ। ये चौथा स्टेज है।
तीसरा स्टेज में वाणी में मिठास हो गई है, चौथा स्टेज में भगवान को कर्ता हर्ता मानने का ये जो प्रयोग वो प्रयत्न उसका चालू हो जाता है और हमेशा भगवान का बल लेने के लिए प्रयत्न करता है। पांचवा स्टेज सप्तपदी गीता ना पांचवा सोपान में आवो अनन्य भाव दृढ़ थया पछी सर्वोत्कृष्ट आत्मबुद्धि दृढ़ थती जाए छे। ये पांचवें सोपान में ऐसा अनन्य भाव हो गया है भगवान के साथ, भगवान का बल लेता है, बाद में प्रभु के साथ एक आत्मबुद्धि हो जाती है। आत्मबुद्धि हो जाती है मीन्स उनके साथ में इसी वननेस हो जाती है, जेना फल स्वरूप गीता में कहा मुजब जन्म कर्म चमे दिव्य ये भावना दृढ़ थाय छे। किंग कैन नेवर डू रॉन्ग ये सत्य साकार बने छे। भगवान रामचंद्र जीए जयरे सीताजी ने वन में मोकलया त्यारे सीताजी नो विलाप जोई लक्ष्मण जी खूब दुखी थया, त्यारे सीताजीए कहूँ मने तो मारू कोई दुख नहीं पण वगर वाके प्रभुए मने वन में मोकली ते बदल तेमने दुख थतु हशे ए कल्पना थी हूँ विषाद पामु छू। रामायण में कितने सारे प्रसंग है मगर भगवान ने ये प्रसंग लिखा कि आत्मबुद्धि क्या है, छेल्ला का ग्यारहवा वचनामृत इतना बड़ा रामायण में से एक वो प्रसंग को पकड़ना और उनको आध्यात्मिक मूल्य देना वो कितनी बड़ी बात है भगवान स्वामीनारायण की। नहीं तो रामायण तो बहुत लोग पढ़ जाते मगर उसमें से ये रहस्य नहीं मालूम पड़ता है कि सीता जी को जब ही वन में भेज दिया तो वो सीता जी रोने लगे, तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये सीता जी इसलिए रो रहा है कि उनको वन में भेज दिए हैं और रामचंद्र भगवान ने उनका कोई भी दोष नहीं होने के बावजूद भी वन में भेज दिया है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं आप रो मत, दुखी मत हो, आपको यहाँ कोई भी दुख नहीं पड़ेगा, ऐसी सब अरेंजमेंट कर देते हैं। तो सीता जी बोलते मैं मेरा दुख के लिए नहीं रो रही हूँ, ये आत्मीयता। आज महंत स्वामी का एक छोटी सी क्लिप मैंने सुनी थी कि वॉट इज सम सूरत भाव और एकता, एकदम सिंपल में बताया कि वन प्लस टू कितना होता है थ्री, वो सम वन प्लस टू इज सम, उसमें से प्लस साइन निकाल दो कितना रहता है वन टू ट्वेल्व, नहीं नहीं वन टू प्लस साइन निकाल दो खाली, वन प्लस टू मीन्स थ्री प्लस साइन निकाल दो तो ट्वेल्व, वो सूरत भाव। और एकता में टू को आगे ले लो तो इक्कीस, वो एकता कितनी सिंपल बात। और वन प्लस टू उसमें देह आता है, देहिक स्थूल भाव है, वन और टू में से वो बीच में निकाल दिया तो उसमें अपना मन भी जुड़ता है तो बारह। और उल्टा हो गया, इक्कीस हो गया, उसका मतलब कि उसमें अपना आत्मा भी जुड़ जाता है। ये सम सूरत भाव और एकता, ये बात बहुत बढ़िया है और वो करना है। स्वामी जी हमेशा हरेक प्रसंग में ये बात बोलते हैं, सम सूरत भाव एकता, सम सूरत भाव एकता। योगी जी महाराज तो बार बार ये लिखा है सम सूरत भाव और एकता रखना है। तो ये आत्मबुद्धि, ये आत्मबुद्धि हो गई, एकत्व भाव में हम प्रवेश हो गए। और काका जी बोलते हैं सीताजी नी समझण ने श्रेष्ठ गणावी छे अने एवा भक्तनो कायम जोग राखवा आग्रहपूर्वक अनुरोध कर्यो छे, आवा बे भगवदीना प्रसंगना फल स्वरूपे बे वात सिद्ध थसे। तो पांचवे प्रकरण में क्या है, पांचवे सोपान में आत्मीयता का भाव है, मैं नहीं तू, मैं हूँ मगर मैं नहीं पहले तू, वो जो भाव होता है वो पांचवे स्टेप में आता है। और पांचवे स्टेप का वो भाव दृढ़ करने के लिए भगवदी का प्रसंग वो सिद्ध करना चाहिए। गम्मे एवा प्रसंग में पोतानो दोष जोता थई जवासे, और ऐसे भगवदी के प्रसंग होने से
हम अपना दोष देखना शुरू हो जाएंगे। अपना दोष देखना शुरू हो गया तो मानना कि आप पांचवें स्टेप में हो। जब तक हम दूसरे का दोष देखते हैं तो हमारा पांचवें स्टेप में गया नहीं है। हम अपना दोष दूसरे का ही दोष देखने में आता है, जाने अनजाने में भी हम वही करते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि भगवदी साथे ना संबंध ने लेने प्रभु ना अपरंपार महिमा नी सभरता में सहज ज मग्न रेवासे अने तेने कोई पण प्रकारना भावफेर रूपी हैयाना देशकाल लागसे नहीं। आम सप्तपदी गीताना पांचमा सोपान में भगवदीना प्रसंगनी अनिवार्यता समायेली छे। बारिश का भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिल रहा है और उनका भी हमें ये क्या बोलते संगीत से उनका भी लाभ मिल रहा है। तो पांचवें सोपान में भगवदीना प्रसंगनी अनिवार्यता, प्रभु साथेनी आवी आत्मीयता दृढ़ थया पछी पण प्रसंगे जाणपणू भूलाई जवाय छे, अभाव विक्षेप आवी जाय छे। तेनु कारण ये छे के प्रभुना भक्तों ने विषे प्रभुनो भाव नथी, ए भक्तों में व्यापक रूपे प्रभुनी सत्ता मनाती नथी। प्रभु ने एना भक्तों ज प्यारा छे, एनु सर्वस्व छे, एनो प्राण छे। भक्तोनी भक्ति ए जेमनी उपासना छे, ए सत्य दृढ़ करावा वारंवार प्रभु प्रकाश फेंक्या करे छे। इसलिए पांचवें सोपान में से आगे जाने के लिए काका जी बताते हैं कि भगवदी का प्रसंग अनिवार्य है। और भगवदी का प्रसंग करने से ऐसा महात्मा समझ में आएगा, भगवान के भक्तों का महिमा। और ऐसा महिमा आएगा तो जो भक्ति होगी वो भगवान महात्मे सहित भक्ति होगी। हम जो सेवा करेंगे उसमें ऐसा होगा कि हे प्रभु, मेरे को आपकी प्रसन्नता के लिए करना है। योगी जी महाराज ने सुनृत में कहा है कि सूरतपणु हसे तो जबरा गुणों आवशे। ये पांचवा सोपान आ गया। पांचवा सोपान में हमें ये देखने को मिला कि आत्मबुद्धि, भगवान और भगवान के संबंध वाले भगवान के भक्त दिव्य है ऐसा भाव दृढ़ करना, वो पांचवें सोपान से आगे जाने का हमारा ये है। अभी छठा सोपान आया, मैं बहुत शॉर्ट में सब बताता हूँ। गीताना छठा सोपान में गोपी जनाय नमो नमः, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, ये उक्तिओ साकार करवानी अनिवार्यता समायेली छे। प्राण थकी मुझे वैष्णव वाला, भगवान के भक्तों दिव्य है, वो छठे सोपान में आएगा। पांचवा सोपान हम बराबर दृढ़ करेंगे, दो भगवदी के साथ का प्रसंग मेरा दृढ़ होगा, ऐसे महिमा की दृष्टि जागृत होगी तो हम छठे सोपान में गोपी जनाय नमो नमः, भगवान के भक्तों दिव्य है, भगवान के भक्तों ब्रह्मरूप है, मारी सामे आवेल मुक्त माथानो मुगट मनाय, ब्रह्म की मूर्ति मनाय, अखंड दिव्य मनाय, वो जो भाव वो शुरू हो जाएगा। वो सिक्स्थ सोपान शुरू है, भगवान को वो कराना है। अर्जुन का ऐसा प्रसंग है कि अर्जुन और कृष्ण भगवान जनक राजा के दरबार में जाते हैं तो जनक राजा बैठ जाता है, कृष्ण भगवान को अपनी गादी पे बिठा देता है और वो कृष्ण भगवान के चरण में बैठ जाता है। और कृष्ण भगवान सब कुछ अरेंज कर रहा है। जनक राजा का बहुत महिमा अर्जुन ने सुना था। जब भी जनक राजा ने सब दरबार से बाहर निकले तो अर्जुन से खाली इतना ही बोल दिया, जोया जोया तुम्हारा जनक, क्योंकि जनक राजा के साथ जनक राजा ने कोई आगता स्वागता करी नहीं, कृष्ण भगवान को ऐसे ही गादी पे बिठा दिया। तो उसको लगा कि भगवान स्वयं आया है घर में तो भी उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो जनक राजा कैसे बड़े हैं। तो कृष्ण भगवान को तभी बेसुध हो गए, उसने खाली इतना बोला कि जोया जोया तुम्हारा जनक।
बाद में कृष्ण भगवान उनको एक बार कुछ मैसेज देने के लिए जनक राजा के पास भेजते कि अभी तुम जाओ जनक राजा के पास। जब ही जनक राजा को मालूम पड़ता है कि अर्जुन आ रहा है तो उसने पूरा गांव राज्य के शुरुआत हुई वहां से उसकी हाथी पे सवारी निकाली और बहुत उसका स्वागत किया। तो अर्जुन बोलते हैं भाई मेरा ये स्वागत क्यों करते हो, कृष्ण आया तभी स्वागत करना चाहिए। उसके मन में हमेशा ऐसा प्रश्न होते रहता है मेरा ये स्वागत क्यों, मेरा ये स्वागत क्यों। फिर जनक राजा को अपना वो बताते हैं कि उस दिन कृष्ण भगवान आए तो तुमने कुछ स्वागत वगैरह मेरा कुछ किया नहीं और आज हम आए तो मेरा इतना स्वागत। तो जनक राजा बोलता है कि कृष्ण भगवान का तो ये पूरा राज्य है और जब ही स्वयं मालिक इधर है तो मेरे को क्या करना, वो जो बोलेगा वो करना है, इसलिए मैं भगवान के चरण में बैठ गया। भगवान बोलेंगे ये करो तो मैं वो करता था, ये राज्य ही उनका है तो मैं उनका क्या स्वागत करूं। ये जो भावना, मगर आज आप आए हो भगवान के सेवक आए हो तो मेरा फर्ज है कि भगवान की जो आगता स्वागता होनी चाहिए वो आगता स्वागता तुम्हारी करो। और ऐसा भाव ये सिक्स्थ सोपान में भगवान हमें मनाने को लिए चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है उसमें हम नहीं जाएंगे, मगर इतना हम बोलेंगे कि जहाँ ऐसे भक्त है जिसको भगवान के भक्तों का इतना महात्म है और जहाँ ऐसे प्रभु है वहाँ सब कुछ है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर मतिर ममम, वो सार्थक होता है। और लास्ट सातवां सोपान, समझ में आया ना, पांचवा छठा सोपान भी, वो छठा सोपान में भगवान के भक्त का भगवान जैसा महात्मा समझ में आता है। और ऐसा महात्मा समझ में आ गया तो फिर और कुछ बाकी नहीं रहेगा। काका जी ने एक बार यहाँ डोंबिवली में प्रतिष्ठा थी स्वामीनारायण भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, छोटा सा मंदिर बनाया था और काका जी के पास वो मनसुख भाई वगैरह लाला जी वगैरह आए और काका जी को बोला ये मंदिर की प्रतिष्ठा है तो आप पधारो। काका जी ने बोला ठीक है आएंगे, मगर काका जी ने उस दिन रमेश भाई को और प्रेम स्वरूप स्वामी को, कांति काका, उसको भेजा और बोला कि ये मैं ही आ रहा हूँ। मगर वो जब ही उसने वहाँ पहुँचे तो उसने उन दोनों का अच्छा स्वागत किया, जैसे काका जी आए हैं वो हिसाब से उनको स्वीकार किया। और जब भी काका जी ने ये सुना तो काका जी बहुत राजी हो गए। तो जो वो भाव भगवान के भक्तों में हमेरा होना चाहिए, भगवान के भक्तों की भगवान के भाव से सेवा करनी चाहिए। योगी जी महाराज का प्रसंग देखे तो योगी महाराज कोई भी शास्त्री जी महाराज का संबंध वाला हालो पोलो, उनकी भी शास्त्री जी महाराज का स्वरूप मान के सेवा करिए। और इसलिए शास्त्री जी महाराज से रहा नहीं गया, शास्त्री महाराज बोल पड़े कि मेरे और जोगी में कोई फर्क नहीं है। ऐसा जो भाव वो ये स्वरूपों ने भी हमें बहुत बार बताया है। काका जी भी ऐसे भक्तों को योगी महाराज के संबंध वाले छोटे से छोटे हो गए तो भी उनके लिए हम क्या ना कर पाए, ऐसा उनके दिल में होता है। निर्मल स्वामी जी और ज्ञान स्वरूप स्वामी जी का तो हमें पता है। लास्ट में काका जी जब भी स्वधाम जाने का था उसके अगले दिन वो लोग आए और मेरे को निर्मल स्वामी बोलते काका जी को उतना बोल दो कि हमारी जमीन का काम हो गया है समाडियाड़ा और ये सब काम कर दो। काका जी को जब ये बोला तो काका जी बोले हाँ बहुत अच्छा हो गया। देखो ये बात काका जी को ये था कि ये योगी जी महाराज के प्रसादी के ये संत है, उनके राजीपा वाले हैं तो उनका काम करना वो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
और वो अवस्था में भी हमें ड्रामा में भी बहुत बार देखा है कि काका जी समढ़ियाड़ा गए थे, वहाँ जगह में पुष्प डाले थे और प्रार्थना करी थी, धुन करी थी। तो ये सब बात ये है कि भगवान के ऐसे भक्तों का हमें इसी तरह से देखना है, संबंध वाले मुक्तों का महिमा ये बताना है। और सातवें सोपान में सम्यक निर्दोष बुद्धि अने सूरज भावनी महामंगलकारी भूमिका में प्रवेशनो आरंभ थाय छे, ये सातवां सोपान है। सातवां सोपान में यही है कि जहाँ जुए त्या राम जी, कोई विरोध नहीं, कोई भेद नहीं, जहाँ जुए त्या राम जी, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, ऐसा हमेरा जीवन में दृढ़ाव हो जाए। इसलिए ये सात सोपान की बात काका जी ने बहुत बहुत सिंपल वे में अच्छी तरह से करी है। जिसको भी ज़्यादा उसमें नॉलेज लेना है तो ये पुस्तक का सात सोपान आप जरूर से पढ़ना, और उसमें से ऐसे ज़्यादा कभी कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कभी भी आना, हम यहाँ ही बैठे हैं, हम यहाँ होते हैं, तभी कुछ भी ऐसा होएगा क्वेरी तो बताना वसी भाई को, या तो हमको, या कोई बहनों को, या तो कोई भी हो गए तो उसको राजू भाई वगैरह, तो वो बताएंगे कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो आज के लिए हम आज निर्मल स्वामी जी का भी हमें पूरा लाभ लेना है, ये पारायण की पूर्णाहुति उनके द्वारा ही करवानी है। तो थोड़ा वसी भाई भी लाभ देंगे, बाद में एक दो मुक्तों का भी हम थोड़ा सा 5-5 मिनट प्रतिभाव लेंगे, और बाद में निर्मल स्वामी जी का फाइनल पूर्णाहुति का आशीर्वाद लेंगे। तो सहजानंद स्वामी महाराज की। सज्जन स्वामी महाराज ने, भरत भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट में लेकिन एकदम मुद्दा के माफिक, भरत भाई की तो ये एक खास विशिष्टता है ही, जो बात करना चाहते हो बहुत ही अच्छी तरह से समय की मर्यादा को बराबर पकड़ के रखते सही बात कर लेते। आज भी हमने ऐसा ही उन्होंने पूरा वक्तव्य इस तरह से प्रदान किया। पूज्य वशी भाई को प्रार्थना करते हैं इस अंतिम सत्र के अंतिम वक्तव्य के लिए, व्यासपीठ पर विराजमान हुए नन्नू अटवाल उनको प्रार्थना करते हैं कि वो यह मंच पर आकर पूजन का लाभ लें। नन्नू भाई अटवाल साक्षात महिमा रूपे जैनी ब्रह्म स्थिति अहो लिंग करे शुंभव्याक्ष सर्पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्दत पड़ रहे काका हल सिंधु दिव्य विभुने तो वंदन करे जैनी वाणी विषय अखंड वहती सूरावली ब्रह्मनी किंतु थै अज्ञात अल्प समीपे रसवसहु मारही जीवे थे अलमस्त स्वामी सजीवा छे मोक्ष दाता वड़ी पप्पा जोगी स्वरूप विभु चरणे झुकी रहूं भाव दी शोभो साधु गुणे सदा सरल ने जगते अनाशक्त छो शास्त्री जीवड़ी योगी जी उभयनु पातनु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञान नेज छो नारा
दास गुणी ने स्नेह जवंदु अहो दीक्षा अर्पियो गुणातीत समी जेने गुरु जोगिए काका ने वड़िया पदिव्य द्वयनु अद्वैतनो खुज छे बेदे साक्षी अनंतना स्वरूपा शास्त्री महाराजनु एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा वंदन सदा करूं। बोलिए स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसबाई साहिब की जय। जय जय आज के आनंद स्वामी निर्मल स्वामी ज्ञान स्वरूप स्वामी की जय। जय जय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण निर्मल स्वामी और ज्ञान स्वरूप स्वामी जैसे दिव्य संतों के द्वारा हमारी सभा में हाजिर है। जो भरत भाई राजू भाई अश्विन भाई हरचंद भाई सब संतों संत बहनों भी हाजिर है। दिव्य वातावरण में पारायण की अंतिम चरण तक पहुंच गया। जैसे हेमंत भाई ने बताया फास्ट लाइफ एक वीक। आप सब लोग को धन्यवाद है कि आप लोग ये अगस्त महीने में तो ऑलमोस्ट एवरी डे यू आर कमिंग। 5 तारीख को निर्मल स्वामी का प्रागट्य की हम लोग ने महापूजा किया था। 6 तारीख को निर्मल स्वामी का बर्थडे की सभा में आप यहाँ आए। 7 तारीख को आप आए। 9 तारीख को आए फिर वापिस। आज 12 तारीख को आए और 2 दिन के बाद जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पे भी आप आने वाले हो तो आपकी श्रद्धा को धन्यवाद है। और आपकी श्रद्धा से ही आपके भाव से ही निर्मल स्वामी और ज्ञान स्वरूप स्वामी यहाँ हाजिर है। ऐसे संतों का दर्शन से आँख के पाप जल जाते हैं। उनकी कथा सुनने से कान के पाप जल जाते हैं। ऐसे संत में चलने वाले भगवान है। ऐसे संतों द्वारा भगवान हमें पृथ्वी पर सुख दे रहे हैं। और वो भगवान को जो भी हमारे जैन साहब आए हैं तो उसके साथ चर्चा हो रही थी कि ऐसे ही भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तभी उनके साथ संबंध करना। और जैन साहब वो बात भरत भाई ने सप्तपदी गीता में काका जी ने बताई कि उस सत्पुरुष के साथ 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में हाउ कैन यू एसोसिएट विद देम एंड हाउ कैन यू टेक योर रिलेशन विथ देम इन सच अ मैनर दैट जितना विश्वास हनुमान ने प्राप्त किया था रामचंद्र भगवान का, जितना विश्वास उद्धव जी ने अर्जुन जी ने प्राप्त किया था, जितना विश्वास दादा खाचर ने मुक्तानंद स्वामी गोपालानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामीनारायण भगवान का विश्वास प्राप्त किया था, जितना विश्वास भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी अदा बाळमुकुंद स्वामी माधवप्रिय स्वामी केशव भगत ने गुणातीतानंद स्वामी का प्राप्त किया था, जितना विश्वास शास्त्री जी महाराज निर्गुणदास स्वामी ने भगत जी महाराज का प्राप्त किया था, जितना विश्वास योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज का प्राप्त किया था, जितना विश्वास काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी जी प्रमुख स्वामी जी महंत स्वामी जी ने योगी जी महाराज का विश्वास प्राप्त किया, उतना ही विश्वास हम इस संतों का प्राप्त करें तो हमें वो भगवान का सुख है इसी मनुष्य देह में। देन जिसको बाइबल बोलता है कुरान बोलता है कि द होल पर्पज ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ इज टू रिवील योर सेल्फ टू डिविनाइज योर सेल्फ
और टू लीव अ गॉड गाइडेड लाइफ, वो दिव्य जीवन जिसको अरविंदो बोलते हैं महामानव का शरीर, महामानव का, तो वो इसी लाइफ में चालू हो जाता है। बट एक ही शर्त है, चौथे में जो भरत भाई ने अभी चौथी में बात बोला, मैं वहां से अपनी बात चालू करेगा। जैन साहब, काका जी ने आध्यात्मिकता में क्या क्रांति किया कि E=MC² एनर्जी का जो फॉर्म था उसको तुम मल्टीप्लाई, व्हाट आइंस्टाइन डिड, ही मल्टीप्लाइड बाय वेरियस टाइम्स। सो जैसे राधा जी का आध्यात्मिकता में आना, कृष्ण तरफ की अपनी जर्नी फास्ट हो गई, उसी तरह गुणातीतानंद स्वामी का आना हमारी लाइफ में, स्वामीनारायण भगवान की जर्नी फास्ट हो गई। काका जी ने ऐसी टेक्निक प्रैक्टिस दिया कि ताकि अपनी जर्नी फास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात बताई जिसके पे आज थोड़ा एक प्रसंग लेंगे, और वो रहस्य है जिसको काका जी बहुत बार बोलते थे, रुचि, रहस्य और अभिप्राय। तो स्वामीनारायण भगवान की रुचि क्या थी? स्वामीनारायण भगवान की रुचि थी प्रगट को मानो, प्रगट ने बजी बजी प्यार पाम्या गणा, ऊपर की बात मत करो, प्रत्यक्ष की बात करो। स्वामीनारायण भगवान की थी बात जीव ईश्वर माया ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म का भेद कि वो साक्षात परब्रह्म पृथ्वी पे आए हैं, अवतार के अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण, जीवों को सुखी करने के। दूसरा जो अवतार कार्यकारण हुआ है, मेरा जो अवतार है वो जीवों को ब्रह्मरूप करने के लिए हुआ है, वो रुचि थी। रहस्य था क्या था कि जो मेरे परमंशो है, परमंशो ना महाराज, मेरे लिए इतना भीड़ा किया, मेरे इतना सहन किया, मेरे लिए गालियां खाई, सांख्य योगी बहनों भक्तों, वो मेरा रहस्य है। और मेरा अभिप्राय क्या है? गुणातीत मेरा अभिप्राय है। विदाउट नोइंग गुणातीत यू कैनॉट रीच मी, विदाउट मी ही रिमेन अनमैनिफेस्टेड, विदाउट हिम आई रिमेन अनमैनिफेस्टेड, एंड विदाउट मी ही डजंट एग्जिस्ट। ये जो डियल रिलेशनशिप और भक्त और भगवान का रिलेशनशिप था, वो उसका अभिप्राय था। तो अगर हम, ये काका जी ने एक टेक्निक बताई और काका जी ने ये टेक्निक अपने जीवन में अप्लाई करके योगी जी महाराज के जोग में आए, और योगी जी महाराज की रुचि काका जी और पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, महंत स्वामी जी और प्रमुख स्वामी जी, निर्मल स्वामी जी, योगी जी महाराज की रुचि वही हमारा जीवन, वही हमारा अभिप्राय, वही हमारा रहस्य, वही सब, एवरीथिंग बस दैट। अब इस जर्नी, अवर डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन नहीं, उसके भी आगे मेरी वासना, हर एक जीव वासना के ऊपर जीता है। तो इनको, योगी जी महाराज को राजी करना वही वासना, उसके सिवाय कोई लाइफ ही नहीं है। काका जी ने 7 मार्च, जैसे भरत ने बचाया, 7 मार्च को देह त्याग किया, 5 मार्च को सभा नहीं किया, बहुत बीमार थी, बाहर आए थोड़ी देर, सभा हो गई, रमेश भाई ने सभा जल्दी खत्म करी, बाहर आए बैठे थोड़ी देर, आनंद किया, बाद में वापस जा रहे थे। अपने से तो दुख सहन नहीं हो जाता है कि काका जी ये क्या हो रहा है, अपने को तो पता भी नहीं चल रहा है, तो आंख में से आंसू निकल। काका जी को बोला कि काका जी छोड़ो ना सब, आप क्यों या करते हो, आप अच्छे हो जाओ, अपन आनंद करेंगे, मंगल करेंगे। तो काका जी बोलते वहां जाते हुए कि वशी भाई, योगी जी की मर्जी के हिसाब से, जिसके लिए हमने योगी जी महाराज ने विमुख किया, अगर वो हिसाब से हम जीवन नहीं जी सकते तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है। ऐसा उनका जो वासना बोलते हैं, इसके लास्ट विश, ये सब की वो है। और उसका एक प्रसंग लेते हैं कि हम अभिप्राय से भक्ति करें तो हमारा क्या होता है, हम कौन सी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्री जी महाराज के अक्षरधम गमन के बाद स्वामी श्री गुजरात में से जो कोई भी सेवा आती थी, सामग्री आती थी, अहमदाबाद के रमेश भाई दलाल को देते थे, और वहाँ से गोंडल, सारंगपुर, गरडा वगैरह मंदिर में भेजी जाती थी। निर्मल स्वामी उसके साक्षी है कि योगी जी महाराज के पास जो भी भेंट आती थी, गोंडल, माधव स्वामी बोलते थे कि गोंडल में जब भी साफ सुफी की तो अगरबत्ती, वो ट्रक भर के तो अगरबत्ती निकली थी, बोलते हैं गोंडल भेज दो, गोंडल भेज दो। ये बहुत सीक्रेट रहस्य है जैन साहब के, जब भी हम बड़े पुरुष के साथ रहते हैं तो कितना एक हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ता है, कितना अवेयर रहना पड़ता है। लेकिन अभी सेवा का झोंक स्वामी ने गोंडल की ओर कर दिया था, जो भी आए गोंडल भेजो, योगी जी महाराज ये आया गोंडल भेजो, ये आया गोंडल भेजो। एक दिन रमेश भाई
के दिल में ये बात छुप गई। रमेश भाई दलाल साथ में रहते थे, एक दिन तक मिलते ही रमेश भाई ने खुले हृदय से, देखो व्हेन यू आस्क क्वेश्चन विद ओपन हार्ट यू विल गेट द राइट आंसर, बट दिल में डाउट है, दिल में संदेह है तो जवाब भी संदेह वाला होता है। रमेश भाई ने रजूआत करी, बापा ने बोला बापा शास्त्री जी महाराज जो भी सेवा आती थी तो सारंगपुर भेजते थे, गढ़ा भेजते थे, गोंडल भी भेजते थे, लेकिन आप तो गोंडल ही भेज देते हो, तो इसलिए मेरे को आप में मनुष्य भाव आता है, तो आप मेरे मन को स्थिर करो और मेरे को समझाओ कि आप ऐसा क्यों करते हो, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस। ये सुन के योगी जी महाराज एक बालक की तरह हंस पड़े। देखो ये योगी जी महाराज का स्थिति था, बालक जैसे ऐसे हंस पड़े, एकदम बालक की तरह हंस पड़े और बोले रमेश भाई हाल में रुचि अक्सर देरी की है। देखो ये रहस्य खोला, रुचि इंक्लिनेशन स्टाइल लाइकिंग इज टुवर्ड्स अक्सर देरी। मेरे को गोंडल का महिमा, अक्सर देरी का महिमा बहुत बहुत एकदम टेक्निकल है। सारंगपुर में तो बापा मिस शास्त्री जी महाराज बैठे ही है, भविष्य में प्रमुख स्वामी वहां लाख रुपया खरीदने वाले हैं। आज प्रमुख स्वामी महाराज की पुण्यतिथि है, लास्ट में प्रमुख स्वामी सारंगपुर है और सारंगपुर को कितना डेवलप किया। देखो बापा की वाणी ये 1952 की वाणी है, 53-54 लाखों रुपया खर्चाएंगे। हाल में अभी तो आपको हमारी रुचि और अभिप्राय में जुड़ जाने का हमारा क्या साधन है। शास्त्री महाराज जब भी मंदिर करते थे लोग बोलते थे शास्त्री तो पथरा चढ़े जाए, पर वो टाइम पे उसकी रुचि में जो भड़ गए उसको अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत समझ में आया, उसको महाराज और स्वामी का दर्शन हुआ। गुणातीतानंद स्वामी की रुचि रहस्य था कि भाई महाराज का पुरुषोत्तमपणा समझो, महाराज अवतार के अवतारी आप लोग जो समझ ऐसे नहीं है, बहुत अलग है वो समझो, और उस बात के लिए शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम के लिए कितना सहन किया, गुणातीत के लिए कितना सहन किया। वो टाइम पे अक्षर पुरुषोत्तम के में जुड़ना, मंदिरों की सेवा में जुड़ना रुचि थी, बढ़ गए। अभी क्या है, अभी इतना ही डिफिकल्ट है। अभी एक गुरुजी ने दिल्ली में जब शिविर करी तब ये रहस्य उठाया था कि काका जी ने जो बोला, ये जो लास्ट स्टेज भरत भाई ने बोला छठवां स्टेज, कि मारी सामे आवेल मुक्त ब्रह्म निज मूर्ति मनाए, निर्मल स्वामी उसके ऊपर जीते हैं। हर रोज एक बस आती है, कंटाला आता है, कोई विदाउट इन्फॉर्मेशन आता है, विदाउट टेलीफोन आते हैं, विदाउट SMS आते हैं, और एक दो आदमी आए तो ठीक है 50 आदमी आ जाते हैं, बट निर्मल स्वामी मानते हैं कि 50 आदमी जो आए, छोटा ड्राइवर भी आया, वो स्वामीनारायण भगवान मेरे पास आए हैं सारंग, अरे समटियाड़ा में स्वामीनारायण भगवान आया है, वो भाव से सेवा करते हैं। वो रहस्य, वो रुचि भगवान की, अभी के जो गुणादित स्वरूप है उसकी रुचि समझ के तो निर्मल स्वामी को अखंड शांति है। कोई प्रसंग, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, उनका आनंद, उनकी शांति, उनका धैर्य, आप देखो तो कुछ काम नहीं होता है, परेश भाई के वहाँ 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, बट नो डिस्टर्बेंस। जो आत्मनिष्ठा की आप बात कर रहे हो, जो स्थिति की बात कर रहे हो, वो स्थिति भगवान की रुचि समझने में, उन्होंने तो योगी जी महाराज की रुचि बार बार समझी है, बट वो समझ के उसके मुताबिक जीने में। क्या अभी के भाई जो भरत भाई ने बोला कि वो भक्तों के साथ, चलो तुम ब्रह्मस्वरूप की स्थिति से नहीं वर्त सको, अच्छा व्यवहार करो, इसी भरत भाई ने क्या बोला, वाणी में मिठास रखो, चलो भाई प्रेम से बुलाओ ना आप इसको, हेलो हाय हाउ आर यू, योर साड़ी इज वेरी गुड, योर ड्रेस इज वेरी नाइस, योर माला इज वेरी गुड, हेलो गुड मॉर्निंग, एक कितना फर्क पड़ता है बोलता है, तो ये रुचि है। ये क्या है, रुचि है, वाणी में मिठास, वाणी में मिठास, वाणी में मिठास, वाणी में मिठास। लेट अस इंप्लीमेंट इट, पारायण का, पूर्णाहुति का ये टेक अवे है, दिस इज द टेक अवे ऑफ पारायण। आप पारायण में जा रहे हो, काका जी बोलते थे जहां काम करते हो, जहां सत्संग करते हो, जहां रहते हो, वहां 3-4 जन में ऐसा डेवलप करो, ऐसी रुचि, ऐसा संगत, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसी वाणी में मिठास, 2-3 जन के साथ, भले वो 500 बार तुमको हरदूत करे तो 501 भी बार हेलो हाउ आर यू, यू आर वेरी गुड करो, ये रुचि है, तो देखो आपको उसका फल मिलेगा, रहस्य मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो योगी बाबा ने बोला
हाल में तो ये रुचि है अभिप्राय में जुड़ना, तो अखंड में अखंड शांति रहेंगी। गुणातीत संत का यही अलौकिक चरित्र है, जिसमें निष्ठावान संतों भक्तों को भी मनुष्य भावा जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं निर्मल स्वामी, ऐसा क्यों करते हैं? साधु से तो वो पंचमन पंचवर्तमान युक्त है, सारधार वर्ते हैं, सबको वर्ता रहे वर्ताते हैं, उसमें तो कोई खोट निकाल सके ऐसा नहीं है, फिर भी मनुष्य जैसी क्रिया करते हैं, मनुष्य की तरह किसकी साइड लेते हैं, पक्षपात करते हैं, किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, किसको ज़्यादा बुलाते हैं, लोभाधिक वृत्ति बताते हैं, तभी अचूक मन में भ्रांति हो जाती है। Why this? ऐसा क्यों? Yes or no? होता है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन वो टाइम पे अगर सत्पुरुष को विशिष्ट रुचि और अभिप्राय है, वो समझ के उसके चरित्र में अगर हम उसकी रुचि में जुड़ जाएंगे, अभिप्राय को समझ पाएंगे, तो उनके चरित्र में संशय होगा। उद्धव जी का कल आख्यान भरत ने लिया, तो उद्धव जी को जब कुब्जा के घर कृष्ण परमात्मा गए तो डाउट हुआ, पूरी रात बैठ रहे भजन करते, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, नो डाउट। उसमें लेस मात्र देहभाव तो है ही नहीं, ही इज बियॉन्ड बॉडी, उसको तो देहभाव है ही नहीं है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, दोपहर में सोते नहीं है, रात को कितने लेट सोते हैं, आप देखो देहभाव तो है ही नहीं। वो समझ में आए तो उनके चरित्र में कोई शंका नहीं रहेंगी, उनको स्वभाव का तो बंधन है ही नहीं, सब छोड़ के तो इधर बैठे हैं, अगर बंधन होता था तो इधर क्यों बैठते थे, उसको तो कोई बंधन है ही नहीं। अपने देह के लिए, अपने पदार्थ, कोई पदार्थ के लिए कोई स्वभाव का भी उसको बंधन है ही नहीं। लेकिन कई बार कोई कार्य के लिए, कोई स्थान के लिए, कोई व्यक्ति के लिए ऐसा ममत्व तो दिखाते हैं, वो सब छोड़ के आए लेकिन दिखाते हैं, गोंडल मेरे को बहुत प्यारा है, योगी भाई बहुत प्यारा, गोंडल भेज दो, गोंडल भेज दो, गोंडल भेज दो, चरित्र दिखाते हैं, तभी उनकी क्रिया में अपने को जचती नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने ऐसा देखो, दास किसको होना है, दास किसको होना है, हमको होना है, हम किसको बनाते हैं? भाई आप ऐसा मत करो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यू आर लीडर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव होता है और मनुष्य भाव आता है। लेकिन भक्तों को यह सोचना चाहिए कि ऐसी उसकी कोई भी क्रिया में कभी भी अंगत स्वार्थ लेस मात्र भी होता नहीं है। बहुत टाइम के बाद जो होने वाला है आज वो दिखता है। काका जी 25-50 साल आगे का दिखते थे, इसीलिए हमको ऐसा लगता है, असंगत लगता है, लेकिन आज उसकी बात, जो लेडीज की बात काका जी वो टाइम पे बताते थे, आज वो प्रूव हो रहा है। गुणातीत संत ये जानने के बावजूद भी ऐसा मनुष्य भाव पकड़ के रखते हैं। देखो हमको अगर ये लॉटरी है, लॉटरी लगानी है, अभी देखो या तो तुम तप करो, बड़ा करो, दान करो, यज्ञ करो, व्रत करो, हाँ, अदरवाइज ये लॉटरी लगाओ। लॉटरी क्या है? गुणातीत संत ये जानते होने के बावजूद भी ऐसा मनुष्य भाव पकड़ के रखते हैं और भक्तों को मुंझुण में डाल देते हैं, ये भक्तों की कसौटी है। उसमें से पार उतरना अर्थात सत्पुरुष में मनुष्य भाव न आने देना और उनमें उन्होंने सतत दिव्य भाव देख के आनंद में रहना, वही साधना है। अभी अपने मन में है ना, इसीलिए बसुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये खाली वसी भाई ऊपर सुबह के ऊपर चढ़ के बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम रात को प्रार्थना करेंगे, हे काका जी आप जो बोलते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है, प्लीज एक्सप्लेन मी, एकदम रो के, एकदम ककड़ के, एकदम दुखी होके, हे महाराज देर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। और बहुत सारे भक्त हैं ऐसा बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मेरे को ये पता चला कि दिस इज माई मिस्टेक, आफ्टर सो मच ऑफ भजन मेरे को पता चला कि ये मेरी मिस्टेक है। तो ये भले आप दिखते नहीं हो लेकिन आप आध्यात्मिक साधना में बहुत ऊपर हो। द डे स्वामी जी का सेंटेंस है कि दुनिया में अघरा अघरी साधना हो तो पोतानो दोष जो है, एम केवू आई एम सॉरी बोलना कि आई दिस इज माई मिस्टेक, ये जो बोलना वो डिफिकल्ट में डिफिकल्ट में डिफिकल्ट साधना है, ऐसा हरिप्रसाद स्वामी जी बताते हैं। तो यहाँ आनंद में रहना वही साधना है।
जिससे अनंत कोटि, जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांड का बंधन नहीं है, जितने सब बंधे छोड़ दिए उसको गोंडल का क्या बंधन। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जिसको बंधन नहीं है, एक हीरांदानी नहीं, एक पवई नहीं, एक बॉम्बे नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इंडिया नहीं, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड, उसका बंधन नहीं है तो उसको एक चीज का क्या बंधन होगा। लेकिन वारे वारे वो बंधन दिखाते हैं और सबको मोह पमारते हैं। कृष्ण भगवान मोह पमारते थे बांसुरी, उसको लोग ऐसा समझते थे ये तो ग्वाला है, गैया को चराता है। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए तो जिसको मालूम था कि ये साक्षात विष्णु के अवतार आए हैं पृथ्वी के ऊपर, वो भी मोह को पाम गए हैं। तो हियर इसीलिए काका जी ने बोला ऐसा भगवदी का प्रसंग, जिसने दिव्य भाव से ये चीज को ट्रांसेंड किया है, जिसने साधना में जो जुने जुने भक्त हैं इधर बैठे हैं, अनुपम भाई, प्रवीण भाई हैं, जुने हैं बेचारे, गिरीश भाई, वो सब ये देखे हुए हैं 30-30 साल से, तो उनसे ऐसा प्रसंग में उनसे ये जान के उनके साथ समागम करके अपने आप को इससे ऊपर उठा के देखोगे तो आप ये जो काका जी ने जो भगवदी वाली टेक्निक बोली कि दो भगवदी, भगवदी मीन्स कौन, एक जानपण रूप दरवाजे रे, बे प्रसंगे पोतानो दोष जुए, त्रण प्रसंगे भजन करे, ये भगवदी। ऐसे भगवत भक्तों के साथ दोस्ती करके हमारी जो साधना में हरड़ल आती है वो ट्रांसेंड करेंगे तो हम इस माया की, भगवान की माया है, हे भगवान तेरी माया, योग माया बोलते हैं, तेरी माया तू पार करवा दे। गुणातीत ज्ञान में दूसरी सब साधना गौण है। गुणातीत पुरुष मानसिक भाव से जब दिखाते हैं उसमें दिव्य लीला का दर्शन करना, दर्शन नहीं करना, ज्ञान करना, जन्म कर्म चमे दिव्य मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास ने माखन खाने की लीला को भजन में गा के मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी, क्या है लीला का ज्ञान है, गान है। तो ऐसे उनके स्वरूप के लीला को गान करके गाओ, यही भक्ति है, साधना है, गुणातीत ज्ञान है। धन्यवाद है हमारे प्रदीप भाई और नाम क्या वेद कुमारी जी आए, उनके साथ बैठते बैठते आज योगी जी महाराज का ड्रामा के लिए सब प्रसंग ढूंढ रहे थे, इसमें से योगी बापा का ये प्रसंग मिल गया। तो आज देखो कितना योगानुयोग है, योगी बापा का प्रसंग, निर्मल स्वामी की हाजिरी और ये बात, ये रहस्य आज भरत भाई, निर्मल स्वामी जी, ज्ञान स्वरूप स्वामी जी, सब बड़े पुरुष के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये बात मैं सबको बताता, ये मानने की बात इधर है, हार्ट से है, तो लेट्स हैव अ हार्ट ट्रिप। ओ गॉड, मेरे को स्वरूप ज्ञान में मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं बुद्धू में बुद्धू में बुद्धू में बुद्धू हूँ, मैं बोड़गद्द हूँ, मैं सरदार जी हूँ, कुछ मालूम नहीं, अज्ञानी में अज्ञानी हो के हे महाराज, हे स्वामी, आप सचमुच हे काका जी, आज पारायण की पूर्णा होती है, सब भक्तों को ऐसे दिव्य भाव में लेके जाओ, भगवान की माया से आप पर कर दो, योग माया से पर कर दो, और दिव्य भाव, दिव्य भाव। जब विमुख प्रकरण हुआ तो इतना बड़ा हुआ लेकिन इनको किसी को अभाव आने नहीं दिया, योगी जी महाराज बरोबर कर रहे, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट। ऐसा दिव्य भाव की दुनिया में हम डूबे, अहो भाव की दुनिया में हम डूबे और अखंड रहे, वही प्रार्थना। बोलो सहजान स्वामी महाराज की। सजान स्वामी महाराज की जय। वशी भाई ने बहुत ही कम समय में बहुत ही रहस्य की अच्छी अच्छी बात बताई, वशी भाई के लिए जोरदार तालियां। आज उनका ये अंतिम वक्तव्य था, 15 तारीख को वशी भाई और अश्विन भाई पेरिस, उसके वहाँ से कनाडा, कनाडा से अमेरिका की यात्रा के लिए लगभग एक महीना की यात्रा रहेगी उनकी, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पारायण के इन 5-6 सत्र जो हमें लाभ मिला उसके लिए जैसे वसी भाई ने बोला, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी बारिश, वर्किंग डे रहते हैं शनिवार को तो, और हमारा तो सब कार्यक्रम यहाँ पवई में चलते ही रहता है, फिर भी सब दूर दूर से आते हैं, सभी को धन्यवाद है। आप भक्तों में से ऐसे तो बहुत भक्तों बराबर नियमित से पारायण के अटेंड कर रहे थे, लेकिन सबकी ओर से
भरत भाई की आज्ञा के मुताबिक सबसे पहले गिरीश भाई और बाद में दीपक भाई जागीरदार, हम सभी की ओर से ये लोग का आभार भी मानेंगे और साथ में उनका जो अभिप्राय है, उनका जो ओपिनियन है वो हमें बताएंगे। सबसे पहले गिरीश भाई को प्रार्थना करते हैं, वो यहाँ पधारेंगे। सहजान साई महाराज की जय, गुणादितानंद साई महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय, गुरुहरि काकाजी महाराज, गुरुहरि पप्पाजी महाराज, बंधु बेलरी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप गुरुहरि हरिप्रसाद साई महाराज नी जय, प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य जसभाई साहेब नी जय जय जय। पारायण की पूर्णाहुति, जैसे हम सब जानते हैं कि श्रावण में ना कि सैटरडे संडे के लिए पारायण रखे थे, तो अगले सैटरडे संडे विद्यानगर में दीदी का, हंसा दीदी का प्रगट दिन मनाने वाले 80th, इसके लिए संतों और बहनों यहाँ से भरत भैया इन लोग विद्यानगर जाने वाले हैं, तो फिर सोचा आज ही पारायण की पूर्णाहुति कर दें, तो निर्मल साईं भी पधारे हैं, हमें अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे। रोज 3-3 घंटे की पारायण और हमें 6 दिन से लाभ मिला, 18 आवर्स मैक्सिमम गिनेंगे तो। उसकी शॉर्ट समरी 3 या 4 मिनट में करनी है, लेकिन उसका थीम काकाजी महाराज की लिखी हुई पुस्तक अस्खलित मंगल कृपा धारा, उसमें से उसका एसेंस सिलेक्ट करके वो काकाजी जो बताना चाहते थे उसके रेफरेंस स्टार्टिंग से ही जो भरत भाई ने कथा चालू की, तो परोक्ष देवता भगवान स्वामीनारायण के प्रसंग, बाद में सभी गुणातीत स्वरूपों के प्रसंग, और काकाजी वो सभी को रेफरेंस देके किस तरह से जीवन जिए, और हमें भक्तों लोग को जो भी साधक है उसे किस तरह से अपनी साधना को पार करना है, उसकी अलग अलग टेक्निक अलग अलग प्रसंग बता के भरत भाई और वशी भाई ने हमें अद्भुत लाभ दिया। उसमें से कोई भी हम प्रसंग पकड़े, बहुत प्रसंग बताए, जो वशी भाई ने जो कालूबेन का प्रसंग बताया कि 4 बेटे थे, चारों बेटों भगवान को देने की तैयारी हो गई और खुद भी समर्पित देने के तैयार हो गए, वैसे प्रसंग बताए। भरत भाई ने जो बताया कि भगवान स्वामीनारायण ने कितना कष्ट लिया और हमारे से कई बड़े बड़े सिद्ध योग आका वो लोक के अंदर गए और फिर भी उनको स्पष्ट बताया भगवान ने कि भाई ये सिद्धि का तो कुछ काम में नहीं आने वाले करके, और भगवान उनको भी बताते हैं कि इस तरह से साधना करो तो आपका मोक्ष हो जाएगा, अक्षरधाम प्राप्त होएगा, वो एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन एक्चुअली तो कहना क्या था, अपने को क्या पकड़ना कि भी हम भी जो अभी साधना कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए ये जो हर्डल्स आते हैं वो हर्डल्स को कैसे पार किया जाए, तो उसकी टेक्निक्स जो सब बताई, और लास्ट में तो दोनों ने कलश चढ़ा दिया अनुपम सप्तवी। अनुपम सप्तवी हम पढ़ते हैं, कितनी दफ़े पढ़े हैं, लेकिन उसके सातों सात मुद्दा बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। तो अभी रहता है क्या है, हम परसों निर्मल साईं के पास बैठे थे परेश भाई के वहाँ, तो उन्होंने भी ये जो होता है साधक की साधना उसके लिए क्या जरूरी है, तो बोले दो ही रास्ते हैं, निर्मल साईं बताते हैं कि कृपा साध्य और एक क्रिया साध्य। तो कृपा साध्य में भी अपने को प्राप्त जो हो जाता है
यह क्रिया कर कर के हमने जितनी सालों से मेहनत कर कर के जो भी कुछ प्राप्त किया, लेकिन वो प्राप्त किया उसका हमें किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से हमारे दूसरों के साथ वर्ताव करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो प्राप्त किया ना प्राप्त किया बराबर है। कृपा तो हो गई, गादी पे तो बिठा दिया, लेकिन गादी के ऊपर बैठ के भी फिर भीख मांगने का धंधा करेंगे तो कोई फायदा नहीं। वो गादी सुभाड़े, काका नु सुभाड़िए, भगवान स्वामीनारायण नु सुभाड़िए, उस तरह से हमारा वर्तन रहे, उस तरह से हम जीवन जिए, बहुत अच्छी तरह से निर्मल साई ने हमें बताया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। भरत भाई, वशी भाई, जहाँ जाए सभी ने जो भी पारायण में लाभ दिया उनको बहुत, और उस तरह से हम जीवन जीने की जीते हैं, लेकिन अपनी स्टाइल में जो भी हर्डल्स है वो हर्डल्स को दूर करके करके आगे बढ़े, यही आज के दिन सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना है। सहजान साई महाराज ने जय। गिरीश भाई ने अच्छा निर्मल स्वामी जी के आशीष के बात की। मैं यहाँ बैठा था तो याद आया कि भरत भाई ने जो अनुपम सप्तक पदी गीता के छठे और सातवें मुद्दे की बात की कि प्रत्यक्ष गुणातीत संत के अंदर दिव्य भाव, और वही बात आज की दोपहर का वशी भाई ने बोला, बराबर उठाया। धन्यवाद वशी भाई को कि जो रहस्य की बात की कि भाई रमेश भाई दलाल एक भक्त कि ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के साथ अगर हमारा दिल सच्चा हो, वहाँ योगी महाराज थे, यहाँ जो भी संत हो उनके प्रति अगर हमारा भाव सच्चे भाव से हम किसी को भी जरा बात करके पूछेंगे तो वो हमारी दिल की भावना समझकर वो सही जवाब मिलेगा हमको। तो वो हमारे एटीट्यूड के भाई दिल की भावना सच्ची रहे हमारी हमेशा, वो आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। मैं दीपक भाई जागीरदार को प्रार्थना करता हूँ, वो यहाँ आकर अपना वक्तव्य रजू करें। दीपक भाई जागीरदार। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, काका जी पप्पा जी बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की। ये पारायण की जब बात चल रही थी श्रावण मास में कौन सा पारायण करें, तो सब में से एक ही आया कि अस्खलित मंगल कृपाधारा का पारायण करें, क्योंकि ये जब बुक निकली और अभी इतना पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन हम औरंगाबाद गए तो वहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में कुछ मंगल प्रवचन में एक एक प्रसंग पढ़ने लगे, तो जैसे काका जी का एक एक प्रसंग पढ़ते हैं, ये दो प्रसंग ऊपर जो है वो सबको मालूम है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक प्रसंग वो इतने खुले दिल से लिखे हैं और काका जी ने कैसी साधना की उसका हम 0.001% भी करेंगे तो बहुत हो। और ये जब डिसाइड हो गया तो हम पहला सैटरडे संडे औरंगाबाद में थे, तो इट वाज सरप्राइज एक्चुअली, वशी भाई और बापू थे उधर, एकदम पहले थोड़े भजन वगैरह हो गए, धुन हो गई, सडनली एकदम भजन संध्या में उधर दो टेबल लग गए और पारायण किया, वहाँ भी वशी भाई ने वो प्रसंग सुनाया कैसे भक्त पहले थे, आज भी ऐसे भक्त है, लेकिन वो भक्त कि अपन भक्ति जब देखते हैं तो हमको लगता है वाह महाराज वाह क्या आपकी पावर है। और जैसे जैसे प्रवचन यहाँ संतों से सुनते हैं तो अलग, हम अपने आप से बहुत बार पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन जब भरत भाई वशी भाई समझाते हैं तो उसका अंदर का जो रहस्य वो हमको पता चलता है। सप्तपदी भी हमने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक एक स्टेप का उसमें का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत स्टेप, अभी लगता है हम सेकेंड स्टेप में है क्या कि थर्ड में है कि अब अभी फर्स्ट में अटके हैं, सोचना, वो तो अपने लिए बैरोमीटर भरत भाई ने बोला है कि हमको कहाँ रहना है।
और ये जो पारायण का जो सत्र चल रहा है, पहले ये भी लगता था कि महीना भर होने वाला है क्या क्या, ऐसा भी डिसाइड कर रहे थे, लेकिन फिर इट बिकम्स टू लॉन्ग और सैटरडे संडे मैक्सिमम लोग लाभ ले सके, इसलिए फिर सैटरडे संडे को ही रखा। सब लोगों ने लाभ भी लिया और ये पारायण हो, समैया हो, जैसे वशी बहन बोला लास्ट महीना कैसा गया पता नहीं चला हमको, तो वो महीना गया तो ये समय एक के बाद एक चलते रहते हैं, तो अंत समय कोई थोड़ा सा भी हमको याद आए तो हमारा गति अलग हो जाएगा। इसका फंक्शन करने का पर्पज़ यही है। और हर बार जो भी वे बात सुनते हैं, जैसे गिरीश भाई ने कहा, हमको प्रैक्टिकल जब तक हम लाइफ में नहीं उतारेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। जब से सत्संग में हूँ, करीब आई थिंक मंदिर हुआ तब से वाणी में मिठास का भरत भाई लेके बैठे हैं, अभी भी उनको कहना पड़ता है ये हमारा दुर्भाग्य बोलो, क्योंकि हम फिर भी लाते नहीं, इसलिए फिर उनको फिर बोलना पड़ता वाणी में मिठास, वाणी में मिठास, और हम वहीं फेल हो जाते हैं। हे भरत भाई, हे वशी भाई, आप तो कराते रहते हो, कराने वाले भी हो, लेकिन हम सुखे सुखे कर पाए। और निर्मल स्वामी से भी हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हे निर्मल स्वामी, आप भी हमको ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि हमारा ये जो प्रोग्रेस है ये फास्ट हो जाए और हम ये जो मन बुद्धि चित्त के उसमें जो अटके उसमें से हम बाहर निकले, यही आपके चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य निर्मल स्वामी के आशीर्वाद लिए इसके पहले हम पुष्पार्पण का हमारा जो विधि है वो संपन्न करते हैं। सबसे पहले अश्विन भाई को प्रार्थना करते हैं। कल उनकी तिथि प्रागट्य दिन था, हमें तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारा रमीला बहन है गिरीश भाई की मिसिस, वो बराबर याद रखा। आज श्रावण मास छठ, आज महाराज लॉज पहली बार आए थे। आज स्वामीनारायण भगवान लॉज में प्रथम बार आए, वो बड़ा दिन है। कल 12 तारीख योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज का कृष्ण जी अदा के घर पहला मिलन था, वो दिन था। तो ऐसे सभी अच्छे अच्छे दिन आज के हमारे पारायण की स्मृति में हमें मिल रहे हैं। शिवासुदेव विमलम रतदाम वासम नारायणम नरख तारण नाम देयम श्यामम शीतम द्विभुजमे वचतुर्भुजम च त्वं भक्ति धर्म तनयम शरणम प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निज भक्ति मतां नराणां एकांत धर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टांग योग कलनाश्च महाव्रताणि त्वं भक्ति धर्म तनयम शरणम प्रपद्ये धेनूनामरटाथ किमलिन संकल्पोऽसमूढा गया शरणतया पची अश्विन भाई निर्मल स्वामी जी को पुष्पार अर्पण करेंगे। उसके बाद वशी बहन ने जो बताया, हमारे आनंद से वेद बहन और प्रदीप भाई खास यहाँ पधारे हैं योगी जी महाराज के संवाद के लिए, तो प्रदीप भाई को प्रार्थना करते हैं वो मंच पर आकर पूज्य ज्ञान स्वरूप स्वामी को पुष्पार अर्पण करेंगे। प्रदीप भाई पटेल बदौलत हमें ये सब सुनने मिल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, ऐसे साउंड सिस्टम के प्रदीप भाई हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। प्रदीप भाई का आज जन्मदिन है,
नॉर्मली किसी का भी जन्मदिन रहता है तो वो तो बहुत रंगरेलिया मनाते हैं, पार्टी में जाते हैं, होटलों में घूमते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन प्रदीप भाई खास इस सेवा के लिए आए हैं। जोरदार तालियां उनके भक्ति के लिए। जसमीन भाई ने हमें बताया, उनको प्रार्थना है, वो परम पूज्य निर्मल स्वामी को पुष्पार अर्पण करके आशीर्वाद लेंगे। प्रदीप भाई निर्मल स्वामी खुद सामने से उनको हार पहनाए। प्रत्यक्ष ना पुजारी केरी संत, परम पूज्य निर्मल स्वामी को हम प्रार्थना करते हैं, हमें आशीष प्रदान करेंगे। शेनी वात मुकीने प्रत्यक्ष मा जीव जोड़ी सुखिया थई गया नर नेना, सुखिया थई गया नर नेना। दिव्यता ना मार्गे हमें चाल्या संत निसाथ, सुखिया थई गया नर नेना, सुखिया थई गया नर नेना। संभव भीति भेदनम सुख संपत करुणा निकेतनम व्रत दान तप क्रिया फलम सहजानंद भजे गुरु सदा। आज अपने एक पवित्र स्थान में बैठा छे, एक पवित्र वातावरण छे, भगवान स्वामीनारायण दिव्य सानिध्य छे, आवा संतोना चरणाविंद में बेसवानु मळ्यो खूब आनंदनी वात छे। सभा में बिराजमान सौ भक्तों हृदय में इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण बिराजमान छे, मारा सौ ने जाजा करीने जय स्वामीनारायण। व्यासपीठ ऊपर बिराजमान मूर्धन्य पंडित जेने कहवाय एवा भरत भाई जी संतवर्य जेना रुमाड़े रुमाड़े विद्वत्ता छे, भक्ति से, शास्त्रनो अभ्यास है, एवा वसीभाई स्वामी अने ज्ञान स्वरूप स्वामी तो मारी साथे से एटले नाम लेवानी कोई जरूर नहीं, पण कोई हिंदी में बोले कोई इंग्लिश में बोले, मुझे तो गुजराती भी नहीं आती है तो मैं क्या बोलता हूँ। पण सबरीबाई भीलड़ी ये कोई हावर यूनिवर्सिटी में अभ्यास नहीं किया है, और हवे तो एम क्यों एम बोलो आजे पुष्प छे ये कोई पण मानस ने अपने पुष्प एना ऊपर फेंकीए अथवा कोईपण व्यक्ति ने अपने पुष्प मारीए तो कोई वागे नहीं, लोही न निकले। साथी के पुष्प छे ने ए बहु कोमल छे, एकदम कोमल छे, एम भगवान अने संत बे कोमल ज छे। ભગવાન પણ કોમળ છે અને સંત પણ કોમળ છે, એવા સંત જ્યારે આપણને મળ્યા યોગીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ ગામડામાં જતા હતા અને તે વખતે ભગવાન અને સંત
જેના ઉપર રાજી થાય, ભગવાન અને સંતની દ્રષ્ટિ પડે, તો એ અક્ષરધામના અધિકારી બને છે. યોગીજી મહારાજ ગોંડલની પાસે ગામડામાં ગયા હતા અને એ ગામડામાં એક માવજી પટેલ કરીને હતા અને યોગીજી મહારાજને પટેલે કીધું કે મારા બાપુજી સત્સંગી નથી, બીમાર છે અને બહુ દુઃખી થાય છે. તો યોગીજી મહારાજને કીધું કે તમે એને આશીર્વાદ આપો અને કંઠી બાંધો અને એનું જીવનું રૂડું થાય. એટલે યોગીજી મહારાજે પટેલને કંઠી પહેરાવી અને યોગીજી મહારાજે પ્રાર્થના કરી યોગીજી મહારાજે કે આને કાલે મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડી જાય છે. અને યોગીજી મહારાજ એ જ ગામમાં હતા અને બીજે જ દિવસે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને તેડી ગયા. આવા એક સંતના આશીર્વાદ છે. તો આપણે જોઈએ કે યોગીજી મહારાજ એવા પણ પુરુષ હતા કે એમની વાણી એટલી બધી અમૃત ભરી હતી અને યોગીજી મહારાજની દ્રષ્ટિથી એમના પણ આશીર્વાદથી અને ગુણાતીત પુરુષોના આશીર્વાદથી જ્યારે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, શ્રાવણ મહિનાની પારણ ખૂબ ખૂબ સપ્તાહની આયોજન સારું કર્યું અને આટલા બધા ભક્તો હરરોજ દાખલો કરીને જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણે જોઈએ કે ભગવાનને જ આપણે રાજી કરવા માટે આવીએ છીએ ત્યારે યોગીજી મહારાજ ગોંડલ મંદિરમાં બિરાજમાન હતા અને એ ગોંડલ મંદિરમાં બળદ ગાડું કરીને બળદ હતા અને બળદ જ્યારે બીમાર પડ્યો અને બળદ બહુ દુઃખી થતો હતો અને તે વખતે યોગીજી મહારાજે કાકાજીને કીધું કે બળદના કાનમાં 5 મિનિટ સ્વામિનારાયણની ધૂન બોલો. તો કાકાજી યોગીજી મહારાજની આજ્ઞાથી 5 મિનિટ કાનમાં સ્વામિનારાયણની ધૂન બોલ્યા અને બળદ તરત અક્ષરધામમાં ગયો. યોગીજી મહારાજ જ્યારે ગોંડલ બિરાજમાન હતા અને ગોંડલી નદીમાં માછલા બહુ હતા અને એ માછલાનો નગરપાલિકાએ કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો કે માછલા પકડો અને તમને પૈસા આપીશું. અને એ વખતે ખબર પડી કે માછલા પકડવા આવ્યા છે અને કાકાને યોગીજી મહારાજ ગોંડલી નદીમાં ગયા અને ગોંડલી નદીમાં માછીમાર લોકોને પ્રસાદ આપ્યો. માછીમાર લોકોને યોગીજી મહારાજે હાર પહેરાવ્યો અને મગજની લાડુડી આપી અને પછી યોગીજી મહારાજ બોલ્યા કે હવે તમારું કામ તમે કરજો માછલા પકડવાનું. પણ માછીમારે એક કલાક સુધી મહેનત કરી પણ એની જાળમાં એક પણ માછલો ન આવ્યો. એટલે યોગીજી મહારાજ એવા પુરુષ હતા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના યોગમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે, એમની દ્રષ્ટિ પડે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ લક્ષ્મીવાડીમાં બિરાજમાન હતા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન સભા કરીને બેસતા હતા, એ સભામાં 500 પરમહંસો હતા, હરિભક્તો બેઠા હતા અને તે વખતે એક બાળક હતો અને સભામાં સાપ નીકળ્યો. એ બાળક સાપને પકડવા ગયો, અને શ્રીજી મહારાજે એને પકડી લીધો. એ બાળક 3 વખત સાપને પકડવા ગયો અને શ્રીજી મહારાજે પકડી લીધો પણ બાળક માન્યો નહીં. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એ બાળકને લાફો માર્યો અને બાળક રડતો રડતો જતો રહ્યો. પણ કલાક 2 કલાક થયા, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને હાથે વાગ્યું હતું, હાથ બળતો હતો. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું સુરા ખાચરને કે પેલા દીકરાને તમે બોલાવો અને દીકરાને આપણે રાજી કરવો છે, મેં માર્યો છે એને. એટલે સુરા ખાચર એ દીકરાને બોલાવવા ગયા. દીકરાને બોલાવવા તો ગયા, દીકરો તૈયાર થઈ ગયો, પણ સુરા ખાચરે ભગવાન એ દીકરાને કીધું કે તને સ્વામિનારાયણ ભગવાન માગવાનું કે તો તું શું માગીશ?
એટલે બાળકે કીધું કે હું લાડુ માગીશ, એટલે સુરા ખાચર ના પાડી કે તારે કાંઈ લેવાનું નહીં, માગવાનું નહીં, શ્રીજી મહારાજ જ્યાં સુધી બોલે ત્યાં સુધી કાંઈ નહીં લેવાનું. અને સુરા ખાચર બાળકને લઈને આવે છે અને એ બાળકને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રસાદી આપે છે તો બાળક પ્રસાદી નથી લેતો, પોતાના વસ્ત્રો આપે છે તો પણ નથી લેતા, પોતાના દાગીના આપે છે તો પણ નથી લેતો. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે આને શું જોઈ છે? એટલે પછી સુરા ખાચરે કીધું કે તમે જ પૂછો ને કે શું જોઈએ છે. એટલે પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બાળકને પૂછ્યું કે તારે શું જોઈએ છે? ત્યારે સુરા ખાચરે બાળકને શીખવાડેલું એવી રીતે બાળક બોલ્યો કે મારું તો કલ્યાણ કરો પણ મારી સાત પેઢીનું કલ્યાણ કરો. તો આપણા જીવનમાં કોક સુરા ખાચર જોઈશે, કોક ભગવદી જોઈશે, એવું જીવન આપણું હોય કે એના આધારે આપણે જીવતા હોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કારિયાણીમાં હતા અને જસુબા કરીને હતા. જસુબા સંતોની સેવા કરે, કથા વાર્તા સાંભળવા જાય, સંતોને જમાડે, પણ એ મૂળ ખાચરને ન ગમે. આ જસુબા સત્સંગ કરે પણ ન ગમે. એટલે પછી એક દિવસ જસુબાએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પોતાના ઘરે જમાડવા માટે બોલાવ્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ જમવા બેસે સ્નાન કર્યા વગર ન જમે. પહેલાં બ્રાહ્મણો પણ જમવા બોલાવતા હતા અને નાહી ધોઈને અબોટિયા પહેરીને બ્રાહ્મણો જમવા જતા હતા. હવે પછી થોડું થોડું પગ ધોઈને જ જવા માંડ્યા, ત્યાર પછી હવે બુફેમાં જવા માંડ્યા બ્રાહ્મણો. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્નાન કરવા બેઠા, મૂળ ખાચરે ગરમ પાણી મૂક્યું. મૂળો ખાચરે સંકલ્પ કર્યો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાણી માગે ને એટલે ઉકળતું પાણી શ્રીજી મહારાજને માથે નાખવાનું. આવો સંકલ્પ કર્યો. જસુબા રસોઈ કરતા હતા પણ આને એક સંકલ્પ કર્યો. એટલે પછી મહારાજે મૂળો ખાચર પાસે પાણી માગ્યું અને મૂળો ખાચર ડેગડી લઈ અને ઉકળતું પાણી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને માથે નાખ્યું. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે મૂળું ખાચર થોડુંક ગરમ તો કરવું હતું ને, આવું બરફ જેવું પાણી ન નખાય. મૂળું ખાચરને એમ થયું ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વયં ભગવાન છે, ડેગડીનો ઘા કરીને મહારાજના ચરણાવિંદમાં પડી અને શ્રીજી મહારાજને કે મને કંઠી બાંધો. તો એ યોગીજી મહારાજના વખતમાં અને લગભગ શ્રીજી મહારાજ વન વિચરણમાં જતા હતા, લોજમાં ગયા, જેતપુરમાં ગાદી સોંપી, પણ તે પહેલાં જેતલપુરમાં વરણી વેશે નીલકંઠ વરણી બેઠા હતા, તળાવની પાળે બેઠા હતા. ગંગામાંએ કીધું કે ગંગામાંને એમ લાગ્યું કે દીકરો બહુ સારો છે, આમ જોવા જાઓ તો ગાંડિયા જેવો છે અને મોઢામાં જોવો તો કંઈક ભગવાન જેવો લાગે છે. એટલે ગંગામાંએ નીલકંઠ વરણીને કીધું કે અમારા ઘરે આવશો? તાર કે જરૂર આવશું. તો કે ચાલો, તાર કે અમે ચાલીને જ જતા, તેડીને લઈ જાઓ તો આવું. વળી ગંગામાંને એમ થયું કે આ ગમે તેવું છે પણ ઘરે લઈ જાઓ. ગંગામાં તેડીને લઈ ગયા એ નીલકંઠ વરણીને. તાર કે જમશો? તાર કે અમે સ્નાન કર્યા વગર જમતા નથી. તો ગંગામાંએ કીધું કે તમે તળાવે સ્નાન કરી જાઓ. તારે નીલકંઠ વર્ણે કીધું કે અમે ચાલીને જ જતા, તેડીને લઈ જાઓ તો જઈએ. વળી ગંગામાં તેડીને તળાવે લઈ ગયા, તેડીને ઘરે લાવ્યા, પછી જમવા બેસાડ્યા. તર કે અમે એમનામ નથી જમતા, મોઢામાં કોળિયા આપે તો જમાડો. ગંગામાંને એમ થયું કે છે ગાંડિયા જેવું પણ આમ લાગે છે ભગવાન જેવું. અને એ જ્યારે ગંગામાંને ત્યાં નીલકંઠ વર્ણે રોકાયા અને થોડા દિવસ પછી ગઢપુરમાં ગયા, મહારાજને ગાદી સોંપી અને તે વખતે ગઢપુર ગયા અને સભામાં શ્રીજી મહારાજ બેઠા હતા અને ગંગામાંને જોયા તો ગંગામાં દોડતા દોડતા ગયા કે મારી શ્રીજી મહારાજ દોડતા દોડતા ગયા કે મારી માં આવી, મારી માં આવી. એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વખતમાં કોઈની એવી માં નહીં હોય કે માથે સગડી લઈને રસોઈ પેતાના દીકરાને આપતો હોય.
એવું સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગંગામાં એ જમાડ્યા. અને શ્રીજી મહારાજના વખતમાં એક માનબાઈ કરીને એક માં હતી, એ રોટલા ઘડતી હતી. બાજરાનો રોટલો એક ફૂલ્યો અને માનબાઈએ સંકલ્પ કર્યો કે આ રોટલો મહારાજ જમે એવો છે. એટલે પછી એને થયું કે અત્યારે ક્યાં મહારાજ હોય. એવા સાત આઠ રોટલા કરીને વાડીએ જતી હતી ખેતરમાં, ફાર્મમાં, તો કે મહારાજ માણકી લઈને સામે આડા ફર્યા કે મને ભૂખ લાગી છે. એટલે માનબાઈ કીધું કે ઘડીક રોકાવ તો હું રસોઈ કરી દઈશ. તાર કે ના, મારે તો બહુ ભૂખ લાગી, રહેવાતું નથી. એટલે ભાત હેઠે ઉતારીને કીધું કે લો રોટલો. તો કે આ રોટલો મારો નહીં. એટલે માનભાઈ કીધું કે બધા બાજરાના જ રોટલા છે, એમાં તમારો કયો રોટલો? તો પાંચ છ રોટલા કર્યા પછી જે સંકલ્પ કર્યો તો ફૂલેલો રોટલો એ કાઢ્યો ત્યારે પછી મહારાજ કે હા આ રોટલો મારો છે. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને એના ભક્તો, એમાં જે બ્રહ્મની મૂર્તિ માનવાની અને અહીંયા જે પવિત્ર સ્થાનમાં આપણે બેઠા છીએ, બધા શબ્દો વિચારીને આપણે કામ કરવાનો, થોડુંક સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને થોડોક સમજવાનો પણ પ્રયત્ન કરવાનો. ભરતભાઈના સંકલ્પે અમારે આવવાનું થયું, આનંદ થયો. એ જ પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. अब हम पूर्णावती की आरती करेंगे. पूज्य लीलूबेन ने बहुत ही अच्छी अच्छी आरती आज के इस प्रसंग के उपलक्ष्य में बनाई है. ये जो अक्षर अस्खलित मंगल कृपा धारा, ये जो पुस्तक चल रहा है, तो उसके अंदर जो जो भी विषय है वो टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने खास आरतियाँ बनाई है. तो वो टॉपिक्स लगा यहाँ डिपिक्ट करने के लिए भी उन्होंने कितना उसका अध्ययन किया होगा. हम तालियों से लीलूबेन की भक्ति का सराहना करते हैं. आरती में अक्षरधाम की चावी वो प्रसंग है, फिर निजात्मानं ब्रह्मरूपम वो जो बात है वो प्रसंग है, गोपी जनाय वल्लभाय नमः वो जो अस्खलित मंगल कृपा द्वारा जो भरत भाई ने सप्तपदी गीता की बात की वो प्रसंग है, फिर सप्तपदी गीता की भी बात की है वो प्रसंग है, और अस्खलित मंगल कृपा द्वारा जो पुस्तक का है पूरे प्रसंग की पांच अलग अलग आरतियाँ, कलात्मक आरतियाँ लीलूबेन ने तैयार की है. तो वो हम यहाँ अभी आरती का लाभ लेंगे.